बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं उस सिचुएशन में, उसको कॉप अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आदमी मोटिवेट कहाँ से होता है, कहाँ से होता है? कोई बाह्य शक्ति आती है, अंदर से आती है। और डीमोटिवेटेड कब होता है? जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे अनुसार नहीं हो रहा है, या जो मैं चाहता हूँ वह नहीं हो रहा है, या उसको लगता है मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जो ये फीलिंग है मेरा दुनिया में कोई नहीं है, वो कब आती है? जब आप ये फील कर लेते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, या आप ये फील कर लेते हैं मैं आपका भाई, पिता या माता, वो आपके सब कुछ हैं, या जो भी आपका फ्रेंड है, लाइफ पार्टनर है, या किस बच्चा है उसके बारे में सोच लेते हैं कि ये मेरा सब कुछ है, और वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट या कुछ ऐसा बिहेव मिलता है, या कई बार आप ऐसी मेहनत काम कर देते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, तब आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि व्यर्थ है दुनिया सारी। कब आई परिस्थिति? जब आपने सोच लिया आप अकेले हैं। लेकिन दुनिया में मेरे अनुसार कभी भी कोई अकेला नहीं। क्यों? उसके पिता, जो परम पिता है, वो हमेशा ही उसके साथ है। आप उनको याद रखें ना रखें, उन्हें बच्चों को याद रखें। पर बच्चा भूल जाए तो अकेला फील करता है, और बच्चा याद रखे तो जैसे वो रखेगा। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ जेल जाना बड़ा सोचना आसान है, लेकिन आप 24 घंटे घर में कमरे में बंद होकर के रह के देखें तो फील होगा कन्फाइनमेंट क्या चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए, लोकमान्य तिलक जैसे, जो जेल में गए तो उन्होंने वहाँ पुस्तकें लिख दी, सावरकर जैसे उन्होंने किताबें लिख दी, और वेट बढ़कर आया, हालांकि वहाँ कोड़े पड़ते थे, मार भी पड़ते थे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा इसके साथ तार जुड़े थे अपने परमपिता के साथ। तो एक इनर स्ट्रेंथ, और वो अगर आप फील करना शुरू करेंगे तो वो पूजा पाठ से नहीं आती, वो फेथ से आती है। और फेथ व्यर्थ नहीं है, मतलब ये इमेजिनरी नहीं है। आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो मैं अपने जीवन के आधार पर कह रहा हूँ कि वो हमेशा साथ देता है, हमेशा साथ देता है। हाँ, लेकिन बच्चा चॉकलेट मांगता है तो पिता उसको मना करते हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा जिद करे तो दे देते हैं, तो दांत किसके खराब होते हैं? तो वैसे ही परमपिता को, परमात्मा को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन मैं बहुत जिद करूँगा, बहुत जिद करूँगा तो मुझे भी दे देंगे। लेकिन वो जिद उसके लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ पाने के लिए नहीं, जिद करनी चाहिए कि तेरा साथ हमेशा रहे एंड तेरी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहे, और हमारे जीवन का संचालन तुम्हारी इच्छा अनुसार हो। क्यों? क्योंकि उसका विजन हमारे विजन से ज़्यादा बड़ा है। और जो ये काम है, छोटा बड़ा, लाभ हानि, मेरा ये मानना है, यू मे एग्री और मे नॉट एग्री, कि ये सब लेन देन का संबंध है। जिसका मुझे देना है मैं दूंगा, वो मुझे वापस कुछ नहीं देगा। अगर मुझे समझ है तो मैं मानूंगा मेरा कर्जा चुक गया, अगर समझ नहीं है तो मैं डीमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड हो जाऊँगा। और अगर किसी से, किसी ने मेरा कुछ देना है तो आपने ज़िंदगी में ऐसे अनुभव करना, देखना, ऐसे अनुभव होंगे जो आपको ना जानता होगा ना पहचानता होगा, वो भी ऐसे मोड़ पे कुछ ऐसी मदद कर जाएगा जो आपसे वापसी में भी कुछ नहीं चाहेगा। क्यों? ये विज्ञान है, मेटाफिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स से अबव है। तो आप इसको चाइल्डहुड से अगर समझना शुरू करेंगे, फील करना शुरू करेंगे, तो लाइफ में मुझे लगता है खुश ही रहेंगे। जज बन के भी दुखी हो सकते अगर वो साथ नहीं है। छोटा दुनिया में कोई नहीं, फ़र्क इतना है कि आपके, जब आपका जन्म हुआ तो आप उससे पहले मुझसे बड़े थे। रिवर्स में विश्वास रखते हो तो फिर छोटा बड़ा कैसे हुआ? जब मेरा जन्म हुआ तब आप बड़े रहे होंगे, उसके बाद आपने दुनिया छोड़ के फिर रीजनरेट हुए। नहीं बोले सर, जैसे आपने ना बायोडाइवर्सिटी पे बताया हमें, दैट वाज रियली यूजफुल फॉर अस, बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन दैट वाइल वुमन इज थिंकिंग ऑफ फॉर्मिंग दिस रोडवेज फोर वेज फ्रॉम कुल्लू टू मनाली, देयर इज
दैट इज आल्सो बाय मैं उसके खिलाफ हूं है ना. लेकिन जैसे खिलाफ किस चीज के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे हिमाचल से डेंस फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ गांव, वहां के लिए एम्बुलेंस रोड बनना है, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन की परमिशन नहीं मिलती है और फोर लेन के लिए मिल जाती है, तो वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ. लेकिन आवश्यकता अनुसार ये हमारे इंजीनियर्स को जो उस फील्ड में लगे हुए लोग हैं वो फोर लेन की बजाय टू लेन एक जगह और टू लेन दूसरी जगह कर सकते थे. आज शिमला कालका रोड को बना रहे हैं, आप कुनिहार बरोटीवाला से भी डबल लेन बना करके उसका रश कम कर सकते थे. आप धर्मशाला कांगड़ा बना रहे हैं रोड, तो अल्टरनेटिव जो रूट्स हैं उनको स्टेट हाईवे के थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करते तो ट्रैफिक चारों तरफ हो जाता है. लेकिन वो मुझे लगता है कि ना समझी है इंजीनियर्स की भी, और जो सरकार होती है वो तो इतनी समझ सोचने का मौका, जो इसमें एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के उनके सोचने का काम है. एक और जैसे कंक्रीट, आप सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं हिमाचल में, वो लाभदायक है हानिकारक? किसी ने कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की कोई, उसके आसपास कितने लोगों को टीवी हुई? आज से 100 साल के बाद जब वहाँ खड्डा होगा पहाड़ की जगह, तो वहाँ की इकोलॉजी क्या होगी, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, किसी ने सोचा? और ये जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं 100 साल के बाद जब इस सीमेंट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो भर भरा कर जब गिरेगा तो इसको कहाँ डंप करेंगे? पहले जो घर बनता था मिट्टी और पत्थर का बनता था, गिरता था तो खेत में समा जाता था, उसके लिए डंपिंग यार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती. और इसके लिए तो ये सिविल इंजीनियर्स आप निकालेंगे, उनका काम है सोचना. एक इंसान कोई पेड़ काटता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, अब वो तो 30 लाख रुपए वो जुर्माना देना पड़ेगा या 5 ईयर्स तक पनिशमेंट प्रिजन मिलेगा. बट अगर गवर्नमेंट मतलब पूरा एरिया खाली कर रही है, कितने माइल्स और किलोमीटर्स के उस तक काटती है, उसके बदले में पेड़ भी तो लगा रही है, तो सर मतलब एकदम से उनको ग्रो होने में भी फिर टाइम नहीं लगता. इसीलिए वो दोनों काम एक साथ चले. तो अगर जुडिशरी यही तो कहती है पहले लगाओ फिर काटो. पीछे अभी बैन लगा था ना फोर लेन वाले पेड़ों पर, कि आप दिखाओ कि आपने कहाँ प्लान किए. आपका जो प्रश्न है वो व्यवस्था से है, व्यवस्था के हम सब पार्ट हैं, इसलिए आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एज ए जज वो मेरी डोमेन से बाहर है, वो सरकार. लेकिन जुडिशरी उसमें तो करती है ना, जुडिशरी समय समय पर इंटरफेयर करती है. एक्चुअल यही है कि जो परमिशन होता है फेलिंग का, फेलिंग से पहले लगाना है और उसको बताना है. और आज ये लॉ में पहले नहीं था, सरकार ने हेल किया हो, लेकिन कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे सारे, तो ग्रीन बेंच था हिमाचल का, मैं तब एडिशनल एडवोकेट जनरल था, तो भी डायरेक्शन कोर्ट से होती थी कि 100 पेड़ कट रहे हैं तो पहले 500 पेड़ आप लगाइए, फिर कोर्ट से एमिकस कराई होता है कोर्ट का प्रतिनिधि, वो जा कर के वहाँ चेक करता था कि पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, तब उसके बाद उनको फैलिंग जाके बसते हैं, तो वहाँ तो ऑस्टी रहते हैं ना, रेफ्यूजी रहते हैं, वो दूसरे गांव वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, दो दो पीढ़ी तक बोलते हैं तो रेफ्यूजी है ना, उस ब्रेन उसका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें.